दो बिल्लियों ने लाया जी लाया चुरा के माखन का गोला। जब बारी हिस्से की आई हुआ वहीं पे घोटाला। दो बिल्लियों ने एक बोले म्याओ म्याओ तुम आगे नाना, दूजा बोले म्याओ म्याओ हाथ ना लगाना। मैं ज्यादा खाऊं ये सोच कर था मचल रहा हर बिल्ला। दो बिल्लियों ने फिर वो दो बिल्लियों का झगड़ा पेड़ पर से एक बंदर ने देखा। वो धम से कूदकर नीचे आया और बोला हुप 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 यारो लड़ना छोड़ो, अरे छोटी छोटी बात पे झगड़ना छोड़ो। सुन लो मेरी बात यारो यारी ना तोड़ो। बिल्लियाँ बोली बंदर भाई तुम ही छुड़ाओ अब ये लड़ाई। बंदर ने फिर सिर को हिलाया, एक तराजू लेकर आया। एक बड़ा और एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा। एक हिस्सा बड़ा किया उसने पर एक छोटा कर डाला। दो बिल्लियों ने आगे उस बंदर ने और भी मजा कर ली। दो पलटों में डाल मक्खन तोलने बंदर उसे लगा। जो पलड़ा जब झुकने लगा उसमें से मक्खन खाने लगा। बोली बिल्लिया क्या करते हो, ऐसे मक्खन क्यों खाते हो। बंदर बोला दो बराबर हिस्से होंगे, बिना वजह तुम डर जाते हो। अरे भैया बिना वजह तुम डर जाते हो। ऐसा कहकर मक्खन सारा डाउ 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 डाउ। ऐसा कहकर बंदर ने सारा मक्खन चट कर डाला। दो बिल्लियों ने मौज मनाई बंदर ने और मुंह की खाई बिल्लियों ने। दोनों के झगड़े का ऐसा लाभ उठाया तीजे ने। उन बिल्लियों को झगड़े से उनके सबक मिला ये निराला। दो बिल्लियों ने लाया जी लाया चुरा के माखन का गोला। दो बिल्लियों ने जब परसों भैया और मैं झगड़ रहे थे तो पापा बीच में आए और हमारा चॉकलेट छीन लिया। यह तो वैसा ही हुआ ना। तो फिर पापा बंदर या चोर? अरे पगली, पापा ने खुद ने तो नहीं खाया, उसे तुम दोनों में बांट दिया। दूसरे की चीज जब कोई अपने लिए उठा लेता है तो उसे कहते हैं चोर, और ललचा कर मांगता है तो उसे कहते हैं भिखारी, फिर वह कोई राजा ही क्यों ना हो। हाँ, मुझे मालूम है वह कहानी। इसी कहानी से तो यह गाना बना है। यह कितना प्यारा है सुनने के लिए और देखने के लिए भी।